नमस्कार। त्रिपुरा के चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए इन दिनों मैं त्रिपुरा में हूँ। 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से कोई 80-90 किलोमीटर दूर सिपाही झाला डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। पहले त्रिपुरा 4 डिस्ट्रिक्ट था, कुछ सालों पहले वो 8 डिस्ट्रिक्ट में हो गया। मेरे पीछे आप ये देखिए रैली देख रहे होंगे जो कि CPM और कांग्रेस की एक ज्वाइंट रैली है। ये एक बहुत पुराना तरीका है कम्युनिस्टों का इस तरह से चुनाव प्रचार करने का। और मैं जिस सीट पे आया हूँ उसका नाम है बॉक्स नगर। बॉक्स नगर सीट पर ये चुनाव प्रचार CPM और लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन का है। इस सीट की खास बात है, इस सीट पे आने की मेरी खास वजह क्या है ये मैं पहले आपको बता दूंगा। इसी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब पसमादा मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, BJP को मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, वोट के लिए वोट की खातिर नहीं लेकिन उनके पास जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगता है कि वो इतनी सीटों पर और इतने प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देते, कोई भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। ये साल का पहला चुनाव है, इस साल 10 विधानसभा चुनाव है और साल के पहले ही विधानसभा चुनाव में 60 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें अपने मुस्लिम उम्मीदवार को दिए हैं और उसमें से एक बॉक्स नगर सीट है, एक कैलाश शहर दूसरी सीट है जहां पर CPM के सिटिंग MLA का जब टिकट काट दिया, वो मुदस्सर अली उनका नाम है, तो अब उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहां से अपने कार्यकर्ता तफसल हुसैन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और ये मुकाबला रोचक इसलिए है कि देखिए 8% के आसपास, 8-9% ही मुस्लिम आबादी पूरे त्रिपुरा में है, तो इस तरह से देश के दूसरे राज्यों की तरह हिंदू मुसलमान का बहुत चुनाव इधर नहीं हो पाता है। और अभी तक कांग्रेस वोट पिछले 25-30 सालों में मुस्लिम वोट 25-30 सालों में मुख्यतः CPM की तरफ ज़्यादा रहते और कांग्रेस और CPM में उनका बंटवारा भी होता रहता था। तो अब इस बार ये देखिए जो आप देख रहे हैं CPM और कांग्रेस जो पिछले 3 दशकों से ज़्यादा, या आप 1971 में त्रिपुरा जब राज्य बना था तब से लेके 2018 तक CPM और कांग्रेस में लड़ाई हुई थी, लेकिन जैसे ही 2018 में BJP ने अपनी सरकार बना ली वैसे ही CPM और कांग्रेस हाथ मिल गए। रैली में दोनों का आप देख ही रहे। तो मैं ये जानने के आया हूँ कि त्रिपुरा की जो 2-3 सीटें हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस है, यहाँ के 40,000 वोटर हैं, इस विधानसभा में 24,000 वोटर मुस्लिम हैं, रैली इधर जा रही है। अब मैं आपको यहाँ के लोगों से बात करके बताता हूँ कि दरअसल माहौल क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार कर यहाँ से लड़ाई को कितना दिलचस्प बना दिया है। तीसरी बात यह है कि मोथा पार्टी, जिसके बारे में मैं अक्सर चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ के राजा ने, जो ट्राइबल राजा है, उन्होंने ट्राइबल्स की एक पार्टी मोथा बनाई है, उसको भी मुस्लिमों ने बहुत ज्वाइन किया, उन्होंने भी यहाँ कैंडिडेट दिया है और TMC ने भी मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर दिया है। चाचा कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में आ गया। किसके मीटिंग में? CPM का, कांग्रेस का, जो तो। अच्छा, उसमें आप आए हो? हाँ। CPM पार्टी के हो क्या? CPM पार्टी अच्छा हो गया। कैसे? CPM पार्टी कामकाज कर लिया, हिंदू मुसलमान का हक रख गया, शांति संप्रीति रक्षा कर गया। ये त्रिपुरा में जो BJP के सरकार था ये कैसा था? ऐसा तो अच्छा नहीं आया, का हिंदू मुसलमान का दंगा करता। क्या कर दिया हिंदू मुसलमान? मुस्लिम को टिकट तो दिया यहाँ से? टिकट दिया क्यों, कोई बात नहीं आया, लेकिन इधर के मस्जिद भांग लिया, इधर से कहे या मंदिर भांग लिया, ऐसा किया है। धर्म निरपेक्ष देश है, बस हमारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो? बस इसके लिए तो, मैं मंदिर का क्या? मंदिर का यह बोला का इधर के मंदिर का, इधर के मस्जिद भांग लिया, इधर के नमाज नहीं पढ़ता, यह बोलता है बस। ये क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप कोई चैनल चलाते हैं YouTube? अरे भाई रुक जाओ, हम अभी दूसरी बात। नहीं नहीं, बस यही तरह चाहिए, एक वीडियो काफी है, तू अलग से नहीं चाहिए। अरे आप अपना वीडियो बनाना यार, इतने बीच में YouTube वाला तो और तमाशा कर दिया। हाँ जी, तो आप CPM को? मैं CPM कर लिया।
सीपीएम का तो हाल बहुत खराब लग रहा है। खराब नहीं है, बस सारा दुनिया का सीपीएम अच्छा हो गया। कहाँ आया सीपीएम का? है सीपीएम का इधर सरकार तो 25 साल इधर से त्रिपुरा में हो गया, अभी 5 साल के बीच भी हो गया। तो इसके लिए तो त्रिपुरा का आम जनता है ना, अभी 5 साल का देख लिया, क्या कर लिया, वामफ्रंट क्या कर लिया, कांग्रेस क्या कर लिया, अभी अभी बीजेपी का क्या कर लिया। देश का उन्नयन का कोई फायदा नहीं है, बस मानुष का दिन दिन का हर रोज का सामान का बाढ़ गया, कोई काम नहीं है, क्या करेगा मुरब्बी 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 नहीं 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 मुरब्बी बोल क्यों नहीं 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 उधर भगवान एक बात बताओ, वो अपने मुंह से खाना खाएंगे तुम्हारा पेट भर जाए नहीं? मुरब्बी जहाँ बोल रहा है वो छोटी क्या है, अच्छा है बात कर मुरब्बी। आप बताओ भाई, देखिए पहली बात तो मैं हिंदी दिल्ली से आया हूँ, मालूम है आप हिंदी बोलिए, आप बोलिए। हम आया था इधर, हमारा हम कांग्रेस पार्टी करता हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी और सीपीएम एक हो गया, लेकिन 5 साल तो जो गवर्नमेंट चल रही है ना बीजेपी, वो जुमला है, सिर्फ वादा करते हैं, कोई वादा निभाता नहीं। 15 लाख देगा, घर घर में नौकरी देगा। आपका देखिए ना, 2-3 दिन पहले जो बजट हुआ था हमारा, देखो आम जनता का जो सामान है कितना महंगाई कितना बढ़ गया। ये जो सरकार है सिर्फ वादा करता है, कुछ नहीं करता है, सिर्फ जुमला है, सिर्फ बातों बातों में करता है, काम काज में कुछ नहीं हुआ। जब 18 में जब इधर सरकार बनाने के लिए बीजेपी आया था तो अमित शाह बोलता है 15 लाख देगा, वो भी जुमला है, घर घर में नौकरी देगा, वो भी जुमला है, एडुकेशन में देगा, मिस कॉल में नौकरी देगा, सब कुछ जुमला है। देखिए अभी गवर्नमेंट पलटने वाला है, 2 तारीख में आप भी आएगा, हम भी आएंगे, हम तो आएगा। नया सरकार बनाएंगे, पलटेगा नहीं बोलता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं बोलना चाहते हो। नहीं, और चाचा क्या हाल है, आदाब? आदाब आदाब। क्या नाम है आपका? सुल्तान अहमद। क्या करते हैं चाचा? और एक्स टीचर। आप गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर। कब रिटायर हुए आप? तो 16 साल 2016। पहले जो सीपीएम की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार है, टीचरों की भर्ती कौन सरकार ज्यादा की? वो तो सीपीएम जो था ना वो अच्छा था। क्यों? वो तो हम वो काम काज गरीब मानस का काम काज करता है, जिनिस पत्र तो दाम कमती है। वो तो बोलते हैं कि वो गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा करता था। हाँ करता था, करता था सीपीएम ना, सीपीएम वाला। हाँ नहीं नहीं, बीजेपी वाला करता है, बीजेपी वाला तो करता है, मस्जिद तस्जिद भांगता है, इसलिए मस्जिद भांगता है, मुसलमान हिंदू मुसलमान विरोध करता है। कौन? बीजेपी। कहाँ करता है? यहाँ से तो मुसलमान को टिकट दिया। नहीं ये तो जो ज़्यादा मुसलमान है यह तो यहाँ पर तो कोई कथा नहीं है, वो जो अलग 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 जगह है उधर से करता है। अच्छा बहरहाल मैं अब आपको ले चलता हूँ इस इलाके से, यानी बक्सनगर विधानसभा सीट से, जिस मुस्लिम कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, अब मैं उनके उनके पास आपको ले चलता हूँ।